मध्य प्रदेश के धामनोद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 करोड़ की लागत से बना डैम क्षतिग्रस्त हुआ। आपको बता दें, कई गांव चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, प्रशासन ने नेशनल हाईवे को बंद किया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह, और वहीं प्रशासन ने कई गांव खाली कराए। धार रोड का भी, जी हां, धार रोड को भी बंद कर दिया गया। तो धामनोद से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर 100 करोड़ की लागत से डैम जो बना था वो क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि कई गांव चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, और वहीं प्रशासन ने नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने कई गांव खाली करा दिए गए हैं, और इसी के साथ ही धार रोड पर को भी बंद कर दिया गया है। लगातार देश प्रदेश भर में हो रही बारिश के चलते 100 करोड़ की लागत से बना डैम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, और इसी के साथ कई गांव चपेट में आने की भी संभावना जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, प्रशासन ने नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया है, और इसी के साथ ही मौके पर भी कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे, और वहीं प्रशासन ने कई गांव भी खाली कराए हैं। धार रोड को भी चक्का जाम कर दिया गया है। तो 100 करोड़ की लागत से बना डैम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कई गांव वो चपेट में आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश के चलते डैम जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, प्रशासन ने नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया है। इसके साथ ही सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री भी मौके पर पहुंचे, और वहीं प्रशासन ने कई गांव खाली कराए हैं, और इसी के साथ ही धार रोड को भी बंद कर दिया गया है। और वहीं रोड को बंद करने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने जाने में भी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तो इस वक्त की खबर आप धामनोद से देख रहे हैं, जहां पर 100 करोड़ की लागत से बना डैम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कई गांव चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, और इसके साथ ही प्रशासन ने नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया है। हाईवे बंद रहने से लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार देश भर में, जी हाँ, प्रदेश भर में हो रही बारिश के चलते 100 करोड़ की लागत से बना डैम जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया।